गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम लोग ओड टू ऑटम क्लास 12 का इंग्लिश 100 मार्क्स का बुक देखेंगे। सभी लोग अपने अपने बुक खोल लीजिएगा। ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम, ध्यान दीजिएगा। ओड टू ऑटम जिसके लेखक का नाम है, राइटर का नाम है जॉन किट्स। जॉन किट्स, क्या नाम है उनका? क्वेश्चन पूछेगा कि हु इज द राइटर ऑफ ओड टू ऑटम, तो क्या जवाब दीजिएगा? क्वेश्चन आएगा हु हैज रिटन ओड टू ऑटम, तभी क्या दीजिएगा? जॉन किट्स बोल दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ओड टू ऑटम क्या है आपका? ओड टू ऑटम, ओड का अर्थ होता है गीति का। ओड का अर्थ क्या होता है? गीति का, यानी एक ऐसी कविता जिसको गीत के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग ओड। क्या बोलते हैं उसको? ओड बोलते हैं। और ऑटम, आप सभी को पता है कि हमारे देश में 6 ऋतु होती है ना, कितने सीजन होते हैं? 6 होते हैं, यहाँ पे और ज्यादा भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 जो सीजन है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक होता है शरद, एक होता है गर्मी और एक होता है बरसात। एक को बोलते हैं आप लोग विंटर सीजन, एक को बोलते हैं आप लोग समर, और एक होता है उसका रेनी सीजन बोलते हैं। नहीं, और होता है उसमें बहुत सारे ऑटम होते हैं, हेमंत होते हैं। नहीं तो ओड टू ऑटम यानी गीति का शरद ऋतु या पतझड़ का, जिस समय पत्ते क्या होते हैं गिराने शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटम, पतझड़ ऋतु, शरद ऋतु। ओके, अब आइए सबसे पहले हम लोग जॉन किट्स के बारे में जानने का प्रयास करें। इसके बारे में जॉन किट्स, जॉन किट्स इज द राइटर ऑफ ओड टू ऑटम। जॉन किट्स का जो जन्म हुआ था, वर्न हुआ था, वो कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1755। यानी जॉन किट्स वाज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795। 31 अक्टूबर 1795। डाइड और उनकी मृत्यु हो गई थी 23 फरवरी 1821 को उनका मृत्यु हो गया। उनके पिता जो थे, पेरेंट्स बोला गया, पेरेंट्स का मतलब माता और पिता, तो उनके पिताजी जो थे उनका नाम था थॉमस किट्स। थॉमस किट्स थे, ये बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सके। 1795 में जॉन किट्स का जन्म हुआ और वह 1804 में इस दुनिया से क्या हो गए? अलविदा हो गए, नहीं सदा सदा के लिए चले गए। थॉमस किट्स को 1804 में मृत्यु हो गई। माँ जो थी फ्रांसेस जेनिंग्स, फ्रांसेस जेनिंग्स जो थी, इनको एक बीमारी ने घेर लिया जिसका नाम था ट्यूबरक्लोसिस, टीबी इसका नाम था। और पहले के जमाने में टीबी होने का मतलब होता था कि अब दुनिया से, यानी टिकट कंफर्म है आपका, टिकट कंफर्म, भगवान का टिकट कंफर्म है, जल्दी आपको बुलाहट आएगी। और ये जो जॉन किट्स है उनको भी भविष्य में जाकर टीबी हो गया और वो भी दुनिया से क्या हो गया। लेकिन उससे पहले उन्होंने लिख के गए कौन सा पोएम? ओड टू ऑटम, करेक्ट है। उसके बाद हिज फादर डाइड, उनके पिता की मृत्यु हो गई आफ्टर फॉलिंग ऑफ हिज हॉर्स, कहां से? अपने घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। कब? 1804। इन 1804 में घोड़े से गिरकर, हो सकता है घुड़सवारी कर रहे होंगे या शिकार पर गए होंगे या कहीं गए होंगे टहलने के लिए, अचानक से उनके घोड़े पर से क्या हो गया? संतुलन बिगड़ा होगा, नीचे गिरे होंगे, और घोड़े पर से गिरने के बाद जीने की संभावना बहुत कम जाती है, समझ गए? अगर घोड़े का तुमको ना थोड़ा सा भी सट जाएगा शरीर में, तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा। उसका हड्डी बहुत ही क्या होता है? मजबूत होता है, कड़ा होता है, और सदा सदा के लिए आप क्या हो जाएंगे? हाथ और पैर को खो देंगे। वो गिर गए और जिसके कारण उनकी क्या हो गए? His first volume of poetry, ठीक है, उनका जो कविता, पोएट्री यानी कविता का पहला जो वॉल्यूम था वो इंटाइटल्ड पोएम्स, पब्लिश्ड इन 1817, कब आया था? 1817 में। किट्स रोट द फर्स्ट 5 पोएम्स, 5 ऐसी कविता जो ओड से रिलेटेड थे, जिसको गीत के रूप में गाया जा सकता था। ये पांचों आपको याद करना पड़ेगा, पूछेगा कि विच वन इज द ओड रिलेटेड पोएम रिटन बाय कौन, कौन सी ऐसी कविता है जो जॉन किट्स ने लिखा जो ओड से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? तो पहला था उनका ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्म, ठीक है, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्म, ओड ऑन इंडोलेंस, ठीक है, ओड ऑन मेलांकोली, और ओड टू अ नाइटिंगेल,
एन ओड टू साइकी, यही आपका पांच कविताएं हैं। सब में देख सकते हैं आप लोग क्या लगा हुआ है, ओड लगा हुआ है। यहाँ पर भी ओड है, यहाँ पर भी ओड है, ये भी ओड है, यहाँ भी ओड है आपका, और लास्ट में यहाँ भी क्या आपका ओड कंप्लीट है। अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि दिस पोएम, यह जो कविता है, कंपोज का मतलब लिखा गया और 19 सितंबर 1819 एंड पब्लिश्ड इन 1820। कहता है कि यह जो कविता है, कौन सी कविता बच्चे लोग, ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम जो कविता, वह जो है लिखा गया था, कब लिखा गया था, 19 सितंबर 1819 को, और इसको प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया वह 1820। एक सिंपल सा कभी परिचय था किसके बारे में, जॉन किट्स के बारे में। आप सभी को बता दो, नाम से ही लग रहा है ओड टू ऑटम एक ऐसी कविता जिसको लयबद्ध किया जा सकता है, गीत के रूप में जिसको क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये था आपका कवि परिचय। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका समरी कि क्या क्या इस कविता में कहा गया है, और लास्ट में हम लोग कविता पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर आप लोग क्या कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बुक से क्या कर लीजिएगा, हम पढ़ा देंगे, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। और चैप्टर क्या माना जाएगा, मेन रूप से इसमें पूछा जाता है क्या, तो आपको कविता का समरी पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसका होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, कविता का लाइन दे देगा और आपको कविता के लाइन से पूछेगा कि हु हैज रिटन, किसने लिखा, या टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया, टेकन फ्रॉम। तो आपको कविता का लाइन भी दिमाग में रखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज जहां से आए हैं वही क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। चले बेस्ट ऑफ लक।